आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं बट यहाँ पे आपके फ़ोन में फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं हो रही है और लॉगिन करने पर यहाँ पे आपको शो होता है अनेबल टू लॉगिन अन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड प्लीज़ ट्राई लॉगिन इन अगेन, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, तो इसके लिए फेसबुक ऐप से बाहर आइए। उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे आकर फेसबुक आएगा तो फेसबुक पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, फेसबुक के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करके रखिए, दबा के रखिए। उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, इस पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ओके करिए। ऊपर आएगा स्टोरेज या फिर आपके फ़ोन में स्टोरेज यूसेज आएगा तो इस पर क्लिक करिए। नीचे क्लियर डेटा आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करिए। उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई भी आपका डेटा डिलीट नहीं होता है। तो ये करने के बाद बैक आ जाइए और बैक आने के बाद अब अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए। उसके बाद सर्च बार पे ऊपर क्लिक करिए, फेसबुक टाइप करिए और चेक करिए अगर फेसबुक एप्लीकेशन में कोई अपडेट आया है तो यहाँ से फेसबुक ऐप को अपडेट करिए। और उसके बाद अब चेक करिए आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आपका अकाउंट फिर भी लॉगिन नहीं होता है तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करिए और यहाँ पे उसके बाद टाइप करिए facebook.com और इसे सर्च करिए। उसके बाद चेक करिए, यहाँ पे एक लॉगिन पेज आएगा, तो अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालिए और नीचे पासवर्ड डालकर लॉगिन करिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करके चला सकते हैं और बीच बीच में आप ट्राई कर सकते हैं फेसबुक ऐप में लॉगिन करके, एक ना एक बार आपका अकाउंट लॉगिन ज़रूर हो जाएगा और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।